हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे अनोदर टॉपिक प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ ग्रीन हाउसेस के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ग्रीन हाउस एक्चुअल में क्या है ग्रीन हाउस जो है वो किसी भी क्रॉप को एक फेवरेबल टेम्परेचर फेवरेबल ह्यूमिडिटी मॉइस्चर परसेंटेज या फिर फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराता है जिससे कि फार्मर को मैक्सिमम इल्ड गेन हो सके या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रीन हाउस एक बेसिकली ऐसी एनक्लोजिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कि प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है पर किसी भी ग्रीन हाउस का एस्टेब्लिशमेंट करने से पहले ये दे, देख लेना चाहिए कि वो नेचुरली वेंटिलेटेड हो या फिर उसमें वेंटिलेशन जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड है और इसमें हम कुछ अदर नेसेसरी ट्रीटमेंट हैं वो भी ले सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर गर्मी के दिन हैं या फिर गर्मी वाली क्रॉप्स हैं तो हमें वहाँ पर टेम्परेचर को कम करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे ग्रीन हाउसेज में और अगर वह क्रॉप जो है वो विंटर क्रॉप है तो वहाँ पर हीटिंग के लिए वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए तो द स्ट्रक्चर मस्ट ऑल्सो बी हीटेड ड्यूरिंग कोल्ड नाइट्स एंड द स्ट्रक्चर मस्ट बी कोल्ड ड्यूरिंग द समर सीजन उसके अलावा जो ग्रीन हाउस होता है वो एक्चुअल में एक बैरियर की तरह काम करता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बीच में और प्लांट प्रोडक्शन एरियाज के बीच में तो ग्रीन हाउस जनरली एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन द प्लांट प्रोडक्शन एरियाज एंड द जनरल आउटसाइड एनवायरमेंट किसी भी ग्रीन हाउस की प्लानिंग करने से पहले ग्रीन हाउस की प्लानिंग करने का मतलब ये है कि हमें किस पर्पज के लिए ग्रीन हाउस लगाना है कौन सी जगह पर लगाना है उसकी सबसे पहले किसी भी ग्रीन हाउस के एस्टेब्लिशमेंट से पहले उसकी प्लानिंग करनी होती है कि उसकी सारी चीज़ें देख कर और डिसाइड करके उसके बाद उस ग्रीन हाउस के एस्टेब्लिशमेंट की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाता है तो ग्रीन हाउस की प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है साइट सेलेक्शन एंड ओरिएंटेशन किसी भी ग्रीन हाउस को बनाने से पहले उस वहाँ का स्लोप देखना होता है कि वो स्लोपी एरिया है हिली रीजन है या फिर एकदम ग्राउंड लेवल है लेवल्ड जो सरफेस है वो है उसके अकॉर्डिंग कौन से टाइप के ग्रीन हाउसेस को लगाना है किस टाइप की क्रॉप उस ग्रीन हाउस के अंतर्गत लेनी है ये सारी चीज़ें ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी ग्रीन हाउस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए वर्क करते हैं तो सबसे पहले साइड सेलेक्शन हमें देखना चाहिए हमें मेनली हमें देखना चाहिए कि जो ग्राउंड है वो लेवल्ड होना चाहिए जिससे कि जो खर्चा है जो एक्सपेंडिचर है वो कम आएगा और ये कॉस्ट ऑफ कॉस्ट को कम कर देगा फार्मर के लिए इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उसके लिए वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफ़िक रीज़न में कितनी होने वाली हैं फॉर एग्जांपल विंड वेलोसिटी वहाँ की जो कॉमन विंड वेलोसिटी है वो कितनी होगी कितना वहाँ पे स्नो पड़ता होगा ये सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं इन सब को देख के चलना है कि वहाँ पर क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस होगा उसके लिए जो विंड वेलोसिटी है या स्नो परसेंटेज है ये सब एक फ़िक्स होता है इसके अलावा जो ग्रीन हाउस है उसे उस डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए जहाँ पर सोलर रेडिएशन जो है वो एकदम अच्छे से रिसीव हो सके, क्योंकि सोलर रेडिएशन जो है अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का वही साधन है इसी से अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो इनक्रीज़ होगा तो ये बहुत ज़्यादा एरिटेड होना चाहिए किसी भी ग्रीन हाउस की प्लानिंग करने के लिए हमें साइट सेलेक्शन करना है उसका ओरिएंटेशन देखना है जिसमें वो वेल एडिटेड होना चाहिए उसमें वेंटिलेशन की या नेचुरल वेंटिलेशन की फ़ैसिलिटीज़ होनी चाहिए वहाँ पर सोलर रेडिएशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रिसीव होनी चाहिए ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए उस पर्टिकुलर वे ग्रीन हाउस जब हम बना रहे हैं तो वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की फैसिलिटी होनी चाहिए अदरवाइज उस ग्रीन हाउस में बहुत सारे डिजीजेस का अटेक देखने को मिलता है जबकि हम तो ग्रीन हाउस को डिजीजेस से उस क्रॉप पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन हाउस को लगा रहे हैं तो हमें ड्रेनेज सिस्टम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसा होना चाहिए वैसे डिफरेंट टाइप के ग्रीन हाउसेज के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिजाइन है पर किसी भी डिजाइन को डिजाइन करने से पहले या सोचने से पहले उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्क करता है वो यही है कि कितनी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी ग्रीन हाउसेज के अंदर एंटर कर पाती है ये सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में हमें देखी जानी चाहिए किसी भी ग्रीन हाउस को डिज़ाइन करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख लेना चाहिए वो हैं जैसे कि क्रॉप की एग्रोनॉमिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है यानी कि एक पर्टिकुलर जो क्रॉप है वो समर सीजन की क्रॉप है या विंटर सीजन की क्रॉप है उसको ज़्यादा विंड वेलोसिटी चाहिए या कम उसको हाई ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है या फिर कम ह्यूमिडिटी की तो ऐसी जो एग्रोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्रॉप की वो पहले देख लेनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हमें किसी भी ग्रीन हाउस को सेलेक्ट करना चाहिए उस स्ट्रक्चर या उस डिज़ाइन को सेलेक्ट करना चाहिए दूसरा ये कि लाइट और टेम्परेचर के प्रति वो पर्टिकुलर जो क्रॉप है वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखा रही है उसको कितनी लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होने वाली है या फिर मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी जानी चाहिए जब हम किसी ग्रीन हाउस के कवरिंग मटेरियल को जब चूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ ग्रीन हाउसेज तो प्लानिंग एंड डिज़ाइन में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हमें कौन से फ्रेम स्ट्रक्चर को यूज़ करना है पाइप फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ करनी है या फिर ट्रस्ट फ्रेम या फिर वुडन फ्रेम को यूज़ करना है हमें कौन से कवरिंग मटेरियल को यूज़ करना है तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो लोकेशन स्पेसिफिक होती हैं वो उस पर्टिकुलर क्रॉप की क्रॉप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है कि हमें कौन से टाइप का ग्रीन हाउस जो है वो लगाना चाहिए उसके अलावा आता है कि कवरिंग मटेरियल को हम किस टाइप से चूज़ कर सकते हैं तो लाइट कितनी आनी चाहिए उसके अलावा पर्टिकुलर कवरिंग मटेरियल जो होता है उसकी एक पर्टिकुलर सेल्फ लाइफ होती है कि वो उतने दिनों तक ही काम कर पाएगा उसके बाद में वो ख़राब हो जाएगा या एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से वो टूट जाएगा इसे हम बोल सकते हैं कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कितनी है और कितने टाइम तक रहेगी कितने पीरियड ऑफ इयर्स तक उसकी जो स्टेबिलिटी है थर्मल स्टेबिलिटी है वो रहेगी लाइट ट्रांसमिशन वेट इन सब के लिए कितना रेसिस्टेंट है वो कवरिंग मटेरियल इन सबको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी कवरिंग मटेरियल को चूज करेंगे और जो जनरली यूज किया जाने वाला कवरिंग मटेरियल है ग्रीन हाउसेज में वो एट प्रेजेंट टाइम सबसे ज्यादा पोलीथाइलिन को यूज किया जा रहा है इसके अलावा उस पर्टिकुलर कवरिंग मटीरियल को जिसको चूज़ किया है उसमें से भी जो लाइट की रिक्वायरमेंट है कितना लाइट का पोर्शन सोलर रेडिएशन की कितनी रेडिएशन में से जो लाइट का पोर्शन है वो क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो मेनली 400 से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसी के ऊपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो वो जो विजिबल लाइट है वो कितनी उस पर्टिकुलर कवरिंग मटेरियल में से प्लांट तक पहुंच पाती है इन सारी चीज़ों को इन सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है किसी भी ग्रीन हाउस की प्लानिंग और डिज़ाइन को सेलेक्ट करते समय